प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं प्रभात खबर और मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। यूपी के विधानसभा चुनाव 2022 के नामांकन शुरू हो गए हैं और आज मैं अलीगढ़ में शहर विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी पंडित केशव देव जी से मुलाकात कराऊंगा आपकी। ये मुलाकात इसलिए और विशेष है कि पार्टी का प्रत्याशी होना और निर्दलीय प्रत्याशी होना दोनों के चुनाव लड़ने में बहुत बड़ा अंतर होता है, क्योंकि पार्टी का जो प्रत्याशी होता है उसके पास पूरा आधार होता है और जो वोट बैंक होता है उस पार्टी का वो भी जुड़ा होता है, परंतु निर्दलीय के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। निर्दलीय के लिए अपनी स्वयं की छवि महत्वपूर्ण होती है। तो आइए मुलाकात कराते हैं पंडित केशव देव जी से, अलीगढ़ शहर से, ये निर्दलीय प्रत्याशी हैं और नामांकन कर चुके हैं। तो पंडित केशव देव जी, आपका स्वागत है प्रभात खबर में। तो केशव देव जी, मैं यह जानना चाहूँगा, जैसे कि जो पार्टी का प्रत्याशी होता है तो उसके पास तो जो पार्टी का जो वोट बैंक है उसका सपोर्ट होता है, परंतु एक निर्दलीय प्रत्याशी जो होता है उसके पास ऐसा कुछ नहीं है, तो किस तरीके से आप इसको देखते हैं? देखिए, निर्दलीय जो प्रत्याशी होते हैं वो एक तो स्वतंत्र होते हैं जी, वो किसी के किसी प्रकार के कैसे भी दबाव में नहीं होते जी, और उनकी अपनी स्वयं की भावनाएं होती हैं, स्वयं के अपने मुद्दे होते हैं, जनता को जगाने का कार्य करते हैं। पार्टियों का एक अपना बहुत बड़ा सिस्टम होता है, पैसा भी उन पर अनाप शनाप होता है जी, उनकी पहचान पहले से ही होती है। तो जनता जो पार्टी के प्रत्याशी को वोट देती है वो पार्टी के नाम पर देती है जी, और पार्टी के नाम पर उन्हें सपोर्ट भी मिलता है, नोट भी मिलता है और वोट भी मिलता है जी, जी। मगर एक निर्दलीय प्रत्याशी के पास ये अपनी स्वयं की पहचान होती है, स्वयं के अपने मुद्दे होते हैं, स्वयं को जनता को जागृत करना पड़ता है, और कितने लोग जनता स्वयं उस निर्दलीय प्रत्याशी की बात को समझ पाते हैं? जो वाकई में सक्षम लोग, परिवर्तनशील जो व्यक्ति हैं, जो जानते हैं कि ये सही के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, तो वो लोग उस निर्दलीय को सपोर्ट करते हैं और वोट की, नोट की नहीं करते, वोट की करते हैं जी, और सिस्टम की भी नहीं करते, क्योंकि वो अपना काम छोड़ के उसके साथ नहीं लगते हैं। मगर हाँ, इतना ज़रूर है कि वो समझ जाते हैं कि ये आदमी सत्य के लिए लड़ रहा है, सही कार्य के लिए लड़ रहा है, और ईमानदार है, बढ़िया है, और बिना पैसे के लड़ रहा है, तो वो अपनी भावनाओं के तहत उस आदमी को वोट देते हैं। तो केशव देव जी, जैसा कि आप निर्दलीय प्रत्याशी हैं और अलीगढ़ शहर विधानसभा को अगर हम देखें तो यहाँ पर अधिकतर जो पॉलिटिकल पार्टी हैं उनके प्रत्याशी ही जीतते आए हैं, जैसे कि वर्तमान जो विधायक हैं वह भी बीजेपी के हैं, तो आप किस तरीके से इसको मैनेज कर रहे हैं अब चुनाव? हमारा तो अपना स्वयं की क्षमता है, अपनी स्वयं की हिम्मत है, हौसला है, सच्चाई है, ईमानदारी है, और आम जनता के हितों की लड़ाई लड़ने का जब्बा रखता हूँ, और भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ता रहता हूँ, अपने भ्रष्टाचार विरोधी सेना को लेकर के सामाजिक संगठन से कार्य करता रहा हूँ, और सैकड़ों ऐसे मुद्दे हैं शहर के, गंदगी के ले लो आप, भ्रष्टाचार के ले लो, भूमाफियाओं के ले लो, दिन दहाड़े हत्या होती हैं उसका ले लो, व्यापारी सुरक्षित नहीं है, आम जनता सुरक्षित नहीं है, बेरोजगारी है, भुखमरी है, काम नहीं है, लेकिन फ्री वाली योजनाओं में उलझी हुई है जनता। अच्छा। तो हम उसे जगाना चाहता हूँ कि आप फ्री की योजना में ना उलझें, अपने अधिकार की लड़ाई लड़ें, अपने विकास के लिए लड़ें, और शहर का अच्छा सौंदर्यीकरण विकास हो इसके लिए आवाज़ उठाएं, और एक अच्छे ईमानदार सक्षम व्यक्ति को जो निर्दोषों की और निस्वार्थ भाव से आवाज़ उठाने वाले को आप वोट करें, चाहे वो कोई भी हो। पार्टी का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो विकास की बात करेगा, पार्टी के तो सब करप्शन में लिप्त लोग हैं, मगर मुझ जैसा अगर कोई आदमी निस्वार्थ भाव से कार्य कर रहा है और निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है, तो एक हिम्मत जुटा करके इन बाहुबलियों से लोहा ले रहा है, तो उसके लिए जनता को सोचना चाहिए, समझना चाहिए, और ईमानदारी को, सत्यता को, और
अच्छे रास्ते पर चलने वालों को सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा केशव देव जी, जैसा कि इस बार के जो चुनाव हैं वह अन्य सभी चुनावों से अलग हटके हैं कुछ, क्योंकि इस बार ना तो रैलियां हैं ना जनसभा हैं और लगभग जो वर्चुअल मीटिंग्स हैं उनके द्वारा चुनाव लड़ा जा रहा है, नामांकन भी ऑनलाइन हो सकता है, तो आप ये जो अलग तरीके का चुनाव है इसको किस तरीके से देखते हैं कि ये अच्छा हुआ है कि खराब हुआ है? देखिए, कोई भी अलग तरीके का चुनाव नहीं है, कैसा भी इसमें बदलाव नहीं है, चाहे कितनी भी महामारी चल रही है, कोविड 19 हो, कोरोना महामारी हो, ओमिक्रॉन हो, चाहे कुछ भी हो जी। आप यहाँ तस्मीर महल पर नामांकन की जब कैरी रोड जो गेट बना रखे हैं आप यहाँ देख सकते हैं, भाजपा सपा बसपा राजनीतिक दलों के वो महागुंडे इकट्ठे हो जाते हैं, उन्हें कोई कोरोना फोराना नजर नहीं आता। अगर कोरोना है तो वो निर्दलीय के लिए है और स्वतंत्र आदमी के लिए है, गरीब के लिए है और बेरोजगार जो कमा रहा है उसके लिए है। ये सारी कानूनी संवैधानिक जो बंदिशें हैं वो उन लोगों के लिए हैं जो गैर सत्ता के या बड़ी पार्टियों के नेता नहीं है। बड़ी पार्टियों के नेताओं को आप देख सकते हैं, अभी यहाँ हम तस्मीर महल पर ही आप बैठे हैं, आप यहाँ हमारी गाड़ी में बैठे हैं, यहाँ हमें इंटरव्यू ले रहे हो, लेकिन आपको मैं सामने दिखा सकता हूँ, अगर आप अभी बाहर निकल के देखें तो अभी यहाँ नामांकन करने महागुंडों की पार्टियों के लोग आ रहे हैं जिनमें दल बदलू हैं, कभी इस गुंडा पार्टी में चले जाते हैं तो उस गुंडा पार्टी में चले जाते हैं। एक पहले सपा थी, छोटे गुंडों की पार्टी थी, अब महागुंडों की पार्टी सरकार है योगी की, अब इसके बाद पता नहीं कौन से महागुंडों की सरकार बनेगी, तो ये तो गुंडा राज की सरकार है और गरीबों के लिए बंदिश है, बाकी किसी के लिए नहीं है। अच्छा केशव देव जी, जैसे निर्दलीय आप प्रत्याशी हैं तो निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव लड़ता है और वह जीतता है तब भी तो वो कोई ना कोई जो पार्टी सरकार बना रही होती है उसका ही साथ देता है, तो वो भी तो अगर आपके कहे अनुसार गुंडों की पार्टी उस तरीके से है तो फिर निर्दलीय क्या करेगा? अगर हमारी जनता ने शहर अलीगढ़ से अगर मुझे अपना प्रेम और आशीर्वाद देकर चुना जी और अपना प्रतिनिधि विधायक बनाया तो हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हम किसी भी पार्टी को किसी प्रकार का सपोर्ट नहीं करूँगा और आज भी हम नहीं कर रहा हूँ सपोर्ट किसी को, न किसी का सपोर्ट ले रहा हूँ। ऐसा नहीं हमारे पास ऑफर नहीं आए हो, कई पार्टियों के आए हैं, कई पार्टियों ने हमें सिंबल देने की कोशिश की है और यहाँ तक के हमने मन भी बनाया था कि हिंदू तत्ववादी पार्टी शिवसेना से हमें सिंबल भी मिला था और कल हम नामांकन निर्दलीय कर चुके थे, मगर आज जब हमें सिंबल मिल गया और हमारी ये खबर वायरल हो गई कि शिवसेना से सिंबल मुझे मिल चुका है, ये भी फार्म मिल चुका है, हम उसे जमा करने जाऊंगा, मगर सत्ता के दबाव में यहाँ के निर्वाचन आयोग ने हमारा जो है आज ये भी फार्म लेने से मना कर दिया, बोले अब दोबारा से आप पर्चा भरें ये सबमिट नहीं होगा, जबकि ऐसा कोई नियम नहीं है। अगर हमारा भी फार्म ये भी फार्म नहीं जमा हुआ है और हमने फार्म भर दिया तो नामांकन की लास्ट डेट तक कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी का समर्थन या उसका सिंबल जमा कर सकता है, ऐसा संविधान में भी है, मगर ये एक हिंदूवादी पार्टी शिवसेना के बैनर से एक क्रांतिकारी आदमी चुनाव न लड़ सके, निर्दलीय लड़ रह जाए, उस कारण हमारा सिंबल जमा नहीं होने दिया और इनके सैकड़ों आदमी यहाँ पर बैनर झंडा लेकर के काम कर रहे हैं। तो केशव देव जी, आप जैसा कि शिवसेना की बात कर रहे हैं तो क्या शिवसेना का आप उत्तर प्रदेश में वजूद देखते हैं कि अगर उससे भी अगर आप प्रत्याशी बनते और जीतते तो क्या आप कुछ कर सकते थे जनता के लिए? देखिए, शिवसेना बाला साहब ठाकरे साहब की पार्टी थी, उन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया, त्याग किया और शिवसेना एक ऐसी पार्टी है जो सबसे पहले हिंदुओं के लिए काम करती आई है, हिंदू राष्ट्र के लिए काम करती आई है, हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर काम करती आई है, तो हमने वही सोचा था कि चलिए निर्दलीय तो हम लड़ ही रहे हैं, अगर शिवसेना का हमें सिंबल मिल गया है तो हम शिवसेना का भी जमा कर देता हूँ, मगर आज हमारा शिवसेना का सिंबल जमा नहीं होने दिया, अब हम निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूँ
और चुनाव चिन्ह भी हम अपना निर्वाचन आयोग की चुनाव प्रतिक्रिया के अलाउड चिन्हों के को देखते हुए जूता चुनाव चिन्ह अपना अप्लाई करके आया हूँ। अगर मुझे जूता चुनाव चिन्ह मिलता है तो अपना एक ही नारा होगा कि जो करेगा भ्रष्टाचार उसमें पड़ेंगे जूताचार। तो देखिए इनका जो नारा होगा वो होगा जो करेगा भ्रष्टाचार उस पर पड़ेंगे जूताचार। तो अब जैसे कि निर्दलीय प्रत्याशी आप हैं, क्या जनता का उतना ही रुझान होता है निर्दलीय के प्रति जितना कि एक वोटर वाले मतलब एक जो पॉलिटिकल पार्टी के प्रत्याशी होता है उसके प्रति होता है? देखिए वो पार्टी के प्रत्याशी हैं इसलिए उनके पीछे भीड़ है। हम बिना पार्टी का प्रत्याशी हूँ, स्वतंत्र हूँ, मगर जनता का प्रेम हमारे साथ काफ़ी है। और आप देखेंगे जब चुनाव शुरू होने दीजिए 30 तारीख से, 27 के बाद में स्पष्ट हो जाएगा कौन कौन मैदान में जंगे मैदान में है चुनावी जंग में। तो उसमें हम भी एक शेर हैं जो खुलेआम लड़ेंगे, जूता लेकर के घूमेंगे, अपना जूता चुनाव चिन्ह, जो करेगा भ्रष्टाचार उस पड़ेंगे जूताचार। और ये जूताचार ही पड़ेंगे और जनता हमको चुनेगी, ये हमको हरा विश्वास है। अब के सब में जूते मारेगी और हमारे जूता पर मोहर लगाएगी। अच्छा केशव देव जी, जैसा कि आप निर्दलीय प्रत्याशी हैं तो निर्दलीय प्रत्याशी बतौर आप जो भी कुछ करेंगे वो तो विधायक बनने के बाद ही अगर बनते हैं तो। अच्छा जो इस समय सरकार चल रही है उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि जो 5 साल सरकार के बीते कैसी सरकार है, क्या उसको बदलाव जरूरत है समाज को? देखिए भस्मासुर सरकार का राज चला है, जैसे भस्मासुर का राज था वैसा ही भस्मासुर जैसी सरकार थी। इन पर न कोई विकास है, न कोई मुद्दा है, न कोई रोजगार है, न कहीं स्वास्थ्य है, न स्वच्छता है। दिन दहाड़े अलीगढ़ में इसी 2022 की शुरुआत होते होते 3 हत्या दिन दहाड़े गोली कांड हो गया, एक व्यापारी मारे गए, दो एक वैसा मजदूर मारा गया वाल्मीकि का। तो ये भस्मासुर सरकार, गुंडों की सरकार, महागुंडों की सरकार और ढोंगियों की सरकार। अब ये ढोंगियों की सरकार गई, अब ज़्यादातर निर्दलीयों की सरकार आएगी और सभी निर्दलीय उत्तर प्रदेश में मिलकर के अब के सरकार बनाएंगे। मुझे आशा है कि अब के जनता निर्दलीयों को चुनाव लड़ाएगी, इन महागुंडे बमवालियों को भ्रष्टाचारियों को भगाएगी। तो देखिए कि निर्दलीय प्रत्याशी पंडित केशव जी कितना जज्बा है इनमें निर्दलीय रहते हुए भी, जो कि एक जो दलीय प्रत्याशी होता है उससे कहीं ज़्यादा अलग तरीके के विचार इनके पास हैं। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि जनता किस पर मोहर लगाती है और निर्दलीय प्रत्याशी के करवट पर ऊँट बैठता है या कोई दलीय प्रत्याशी अलीगढ़ शहर से जीतता है। तो देखते रहिए प्रभात खबर, मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।